नमस्कार दोस्तों, माँ का खजाना किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आम पन्ना की रेसिपी लेके आई हूँ, जो इसमें दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रही है और इसको आप पीजिएगा तो गर्मी के मौसम में आपको राहत मिलेगी और बहुत ही फायदेमंद होता है। बाजार में आप पीजिए बहुत ही महंगा भी मिलता है और साफ सुथरा नहीं रहता, घर में जो शुद्धता होती है वो कहीं नहीं होती दोस्तों। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर माँ का खजाना किचन में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। चलिए बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने बड़े साइज़ के दो आम लिए हुए हैं, उसको धो दिया है मैंने, वॉश कर दिया है। अब हम इसको जो है कुकर लेंगे और उसको उबालेंगे हम। तो ये देखिए, इसको हम कुकर में ऐसे मैंने डाल दिया है और इसमें ज़्यादा नहीं पानी, एक कप में पानी डालूंगी और इसमें हम लगाएंगे सीटी और गैस पर चढ़ा के इसको हम सीटी दिलाएंगे। गैस ऑन कर दिया हमने और ये मैं सीटी चढ़ा दी। एक सीटी आएगी धीमा कर देंगे और फिर दो मिनट बाद दूसरी सीटी आएगी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो आसानी से इसके छिलके देखिए, इस तरह करके हमें छिलके को, ये मैंने छिलका सब ऐसे हम निकाल लेंगे जी। देखिए एकदम इसी तरीके से हमारा छिलका सब निकल जा रहा है और जो छिलके में लगा है दोस्तों ना, उसको भी मैं पानी में मेस करके उसको भी मैं निकाल लूँगी और इस तरह करके इसको हम निकाल लेंगे। तो नाइफ से करके इसके गूदे को हम निकालते हैं जी। इस तरह करके हम ऐसे गूदे को, हम सब ऐसे पूरे गूदे को हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा निकल आया। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और उसके बाद जो गूदा था उसका भी थोड़ा सा पानी लेके, उसको पानी लेके उसके पानी में हल्का सा मेस कर देंगे तो वो भी हमारा निकल आएगा दोस्तों। देखिए जो छिलका और गुठली था, ये छिलका गुठली, इसको भी मैंने पानी डाल करके इसको हल्के से ऐसे हाथ से दबा करके अच्छे से हम कर देंगे। तो देखिए गूदे में, ये छिलके में जितना भी हमारा गूदा था सब देखिए निकल आया। तो इस तरह करके इसको निकाल लेंगे दोस्तों। ये मिक्सी का जार मैंने लिया और इसी में ये सारे फल हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद जो ये गीला था वो भी हम इसमें डालेंगे। छः चम्मच अब इसमें चीनी हमने डाला है तो दोस्तों ये देखिए, साथ ही मैंने इसमें पुदीना के 10-12 पत्ती ले लिए, साथ ही इसमें पुदीना भी इसमें डाल दूंगी। पन्ना में पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और इसको करके हम मिक्सी में इसको हम चला के पतला पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा हो गया है। अब हम जो है ग्लास रखेंगे और बनाएंगे पन्ना। अब इसमें ग्लास में देखिए मैं आइस डाल रही हूँ। अब इसमें देखिए जो मैंने बनाया है, अब इसमें हम एक कलछुल हम डाल देंगे ये, क्योंकि ये कई, इसमें कई ग्लास हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। कम से कम इसमें हम 20 ग्लास बनाएंगे तो, क्योंकि आम बहुत खट्टा है हमारा, तो हम ये हमने देखिए एक कलछुल इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें मैं नमक डालूंगी, क्योंकि नमक डाला नहीं था मैंने, तो स्वाद अनुसार इसमें नमक जाएगा दोनों में। इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें जो है भुना जीरा डालेंगे और इसी में थोड़ा सा काला नमक। काला नमक का बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है दोस्तों आम पन्ना में। अब इसमें दोस्तों देखिए, मैंने पानी ठंडा का, फ्रिज का ठंडा पानी डालिएगा तभी मज़ा आएगा। आप इसकी जगह सोडा भी बाजार में मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चिल है और देख रहे हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, बिल्कुल बाजार के जैसा। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा हम इसको डुप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, तो घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल में और पूरे परिवार को पिलाइए और पूरा परिवार बहुत ही खुश होगा पी करके आम पना। तो दोस्तों ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और माँ का खजाना किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।